हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने उम्दा प्रदर्शन किया है। राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि 8 पर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और 1 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जीत हुई है। 5 साल पहले यानी 2019 में KCR की पार्टी ने 9 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। साफ है कि KCR का जहां सूपड़ा साफ हो चुका है, वहीं बीजेपी का प्रदर्शन दोगुना हो गया है, यानी राज्य में बीजेपी के विस्तार की संभावनाएं दिख रही हैं। बीजेपी कर्नाटक की तरह इस दक्षिणी राज्य तेलंगाना में अपने बूते सरकार बनाने का ख्वाब देखने लगी है, हालांकि इसे अभी मीलों का सफर तय करना है। इस बीच सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि पहले विधानसभा चुनावों और अब लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करने वाले KCR अब अपने सियासी दुश्मन बीजेपी के साथ गठजोड़ करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व CM के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य के पूर्व मंत्री KT रामाराव यानी KTR पिछले दिनों हैदराबाद से दिल्ली तक की दौड़ लगा चुके हैं और बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी की दक्षिण में विजय की चाह और KCR की सत्ता में वापसी की चाह दोनों दलों को बातचीत के लिए नजदीक आने पर मजबूर कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के कुछ नेता इस सियासी संकट का लाभ उठाना चाह रहे हैं और संकटग्रस्त क्षेत्रीय पार्टी BRS पर विलय का दबाव डालने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ही एक धड़ा BRS से गठबंधन की संभावनाओं का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये पार्टी के लिए गलत कदम हो सकता है। उधर हालिया चुनाव में मिली बुरी हार के बाद KCR जहां बीमार पड़े हैं और जनसंपर्क से कटे हुए हैं, वहीं BRS के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा BRS को अपने नेताओं पर मुकदमे का डर भी सता रहा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में BRS को एक तरफ राज्य की एजेंसियों की कार्रवाई का डर है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर KCR की विधायक बेटी KVITA आई हुई हैं। वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले में पिछले 5 महीने से जेल में बंद हैं और ED के निशाने पर हैं। इन परिस्थितियों में माना जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव पहले परिवार और फिर पार्टी को बचाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करने को राजी हो सकते हैं। कांग्रेस चूंकि BRS की परंपरागत विरोधी रही है, इसलिए KCR के पास बीजेपी से गठजोड़ का विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसका सीधा फायदा उन्हें बेटी को ED की कार्रवाई से राहत के रूप में मिल सकता है।